हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कर रहे हैं, फर्स्ट हमने कंप्लीट की थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब सेकंड की बारी है सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी? जैसे कि नाम से क्लियर है, जब भी सोशल आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होगी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का इतना राज नहीं चलेगा जैसे कि पिछली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चल रहा था। जैसा कि देखा था हमने कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी था, यानी कि जो भी प्रोडक्शन डिसीजन, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे थे वहां पर, तो वो प्राइवेट मतलब प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने अकॉर्डिंग ले रहे थे, यानी इकोनॉमिक डिसीजन खुद से लिए जा रहे थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट लोग अपने आप ले रहे थे उन डिसीजंस को। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी आ गई तो इसका मतलब कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखना है, इसका मतलब कि इग्नोर नहीं करना, कलेक्टिव इंटरेस्ट, उस कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए ही काम करना है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन को भी रोका नहीं जाएगा, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, गवर्नमेंट खुद से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेगी कि ताकि ये मतलब कि इकोनॉमिक डिसीजन इस तरीके से लिए जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। A socialist economy is the one in which there is a social collective public ownership of the means of production and economic decisions are taken by some central authority of the government with a view to maximize social welfare. तो देखो इसमें कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सोशल या फिर कलेक्टिव पब्लिक की ओनरशिप चलती है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो केवल प्राइवेट के नहीं होते, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नहीं होते। एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय, और इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा? जैसे कि उसके अंदर था कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो कौन लेने वाला था? वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर जो भी यानी प्रोड्यूसर्स थे वो खुद से लेने वाले थे कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा और कैसे वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाएंगे। जब हमने बात की थी इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स की या फिर फ्री इकोनॉमी की, तो उसके अंदर ये था कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपना जो भी डिसीजन ले रहे थे उसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख कर ले रहे थे। यहाँ पे बात आ रही है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, तो उसका जो मेन मोटिव होगा गवर्नमेंट का वो सोशल वेलफेयर करना होगा, यानी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन का अब यहाँ पे मोटिव खत्म हो जाता है और मोटिव जो आ जाता है वो सोशल वेलफेयर का आ जाता है, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब इसके फीचर्स क्या हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की? द साइलेंट फीचर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर एज दिस। फर्स्ट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले कहा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कलेक्टिवली ओन किए जाएंगे, यानी कि सोसाइटी के थ्रू सारे कलेक्टिवली चलाए जाएंगे पूरी सोसाइटी को एक मानते हुए, और पब्लिक ओनरशिप होगी उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, जो भी उससे प्रोड्यूस कर रहा उसी की ओनरशिप नहीं हो जा रही है, उससे प्रोडक्शन का जो एरिया है वो पब्लिक ओनरशिप के अंदर है, यानी गवर्नमेंट के पास है, यानी आराम से ये नहीं है कि किसी केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, पर्टिकुलर सेक्टर को ही गेंस होने वाला है, यहाँ पर सभी सेक्टर को इक्वल मान के चला जाएगा। सेकंड कहता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। जो प्रोडक्शन के मीन्स, जो प्रोडक्शन के साधन है उनको इस तरीके से यूज किया जाता है ताकि जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे अब इग्नोर कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं, देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और कहते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मेरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। जैसा कि हमने पहले देखा था उसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि जो गवर्नमेंट थी वो एक वॉचमैन की तरह, यानी कंट्री की केवल इस बात के लिए वो रखी गई थी कि केवल लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को मेंटेन करके चले, उससे अलावा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं था। यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का केवल ये रोल नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को ही देखे, उसके बाद भी गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, यानी जो इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी। मेरिट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो कहता है कि सोशल इकोनॉमी इक्वेलिटी अचीव करती है, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो क्या कैसे किसने इकोनॉमी अचीव की? जैसे पता है कि
अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जब गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रही है, साथ में वो ये बोल रहे हैं कि सोशल मैक्सिमाइजेशन हमारा मोटिव रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन रिचर सेक्शन के लिए होगा तो साथ साथ पुअर सेक्शन के लिए भी होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इनकम को इग्नोर किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान में रख के प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है ताकि रिचर सेक्शन के वहां तक पहुंचो, साथ साथ पुअर सेक्शन भी वो चीज परचेज कर सके। ग्रोथ प्रोसेस इससे ज़्यादा होगी और साथ साथ क्या होगा, ये किसके सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सबको सामाजिक न्याय मिले जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर नहीं मिल पाया था। केवल जो रिचर सेक्शन था उनको उनका सामान अवेल हो रहा था, लेकिन पुअर सेक्शन के लिए कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप थी। तो यहाँ पे पब्लिक ऑनरशिप इसीलिए लाई गई है ताकि जो मेन मोटिव रखा जाए वो सोशल वेलफेयर का हो और लोगों की को सोशल जस्टिस मिले। तो इसलिए क्या किया गया है, इक्वालिटी आ जाएगी और सबको सब कुछ मिले, इसीलिए ये सोशलिस्ट इकोनॉमी आई। अब इसका डिमेरिट क्या है, कहते द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। जीडीपी ग्रोथ अब स्लो होगा क्योंकि अब हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। केवल हाई प्रॉफिट से हमारा मोटिव नहीं है, यानी कि केवल हाई प्राइसेस वाले ही प्रोडक्ट्स जो नहीं बनाए जा रहे, साथ साथ हम पुअर सेक्शन को भी देख रहे हैं, तो जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जा रहा है उसका डायरेक्ट प्रिंसिपल ये नहीं है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। जबकि जो ये हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि इक्वालिटी और जस्टिस आए। इट इज ओइंग टू दिस डिमेरिट दैट द अर्स्ट वाइल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमीज लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना हैड टू स्विच ओवर टू मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो कहता है कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी जैसे कि सोवियत यूनियन और चाइना, इन्होंने भी स्विच ओवर कर दिया मार्केट इकोनॉमी को फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी से ये भी मार्केट इकोनॉमी की तरफ चले गई, यानी कि फ्री इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इसका यही मतलब है, यानी डीमेरिट के अंदर यही बताया जा रहा है क्योंकि स्लो प्रोसेस हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती जीडीपी की हमारे की, क्योंकि केवल माइंड में ये रहता है बस सोशल वेलफेयर करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देना। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही इग्नोर कर दिया तो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। कलेक्टिवली इंटरेस्ट को ध्यान दे रहे हैं तो इट्स ओके, तो ये भी तो देखा जाएगा ना, यानी पुअर सेक्शन अगर ज्यादा है तो उनके लिए ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे, जैसे प्रॉफिट्स कम होंगे तो जीडीपी ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगा। इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इसीलिए कहते हैं इसकी यही डिमेरिट है कि जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो स्लो स्लो होता है। तो इसलिए ही बहुत सारी, यानी ये कंट्री जो थी सोवियत यूनियन एंड चाइना, इन्होंने स्विच ओवर कर दिया था दोबारा से, यानी ये फ्री इकोनॉमी के अंदर आ गई थी मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल इकोनॉमी से हटके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमने कंप्लीट की सोशलिस्ट इकोनॉमी। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।